वेलकम टू टेक्निकल संजीव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल संजीव में। तो आज हम बात करेंगे डी फ्रिज के बारे में, डी फ्रिज की वायरिंग रहती है वो कैसे की जाती है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रहती है उसके साथ कैसे वायरिंग की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। तो जैसे कि ये हमारी पावर कोड है, ये हर एक यूनिट के लिए चाहिए होता है। उसके बाद हमारा जो थर्मोस्टेट है और ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो कि CSIR सर्किट के लिए चाहिए रहता है। और ये हमारी करंट रिले, ये अलग अलग मॉडल के साथ अलग अलग सर्किट के साथ अलग अलग रिले यूज़ की जाती है। और हमारा कंप्रेसर है, ये जो हमारा सप्लाई इंडिकेटर है ये दर्शाता है कि हमारे यूनिट में सप्लाई आ गई है कि नहीं आई है। और जो हमारा कूलिंग इंडिकेटर है कूलिंग को दिखाता है, फैन मोटर रहती है और ओवरलोड रहता है। तो इससे सबसे पहले हमने यहाँ पे हम करेंगे न्यूट्रल के जितने कनेक्शन रहेंगे हम न्यूट्रल के कनेक्शन आपको बताएंगे। इसमें जो हमारे सप्लाई इंडिकेटर को हमारा जो कनेक्शन रहेगा और जो हमारा कूलिंग इंडिकेटर को डायरेक्टली हमारा जो न्यूट्रल जाता है, इसमें हम न्यूट्रल की कंट्रोलिंग नहीं करते फ्रेंड्स, हमने सिर्फ इसमें फेस की कंट्रोलिंग करनी होती है। तो न्यूट्रल आप डायरेक्टली किसी भी इसमें दे सकते हैं मोटर या इंडिकेटर को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने डायरेक्टली सारा जो न्यूट्रल रहेगा वो हमने दे दिया है। इसमें सिर्फ न्यूट्रल कंट्रोल होता है ओवरलोड के थ्रू, जो कि कंप्रेसर को अगर ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड की किसी भी सिचुएशन में कंप्रेसर को ये यहाँ से न्यूट्रल को कट कर देता है और कंप्रेसर की सेफ्टी करता है। तो ये हम यहाँ कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमारा CSIR रहता है उसमें सी टर्मिनल कॉमन वाइंडिंग के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा फेस रहता है फ्रेंड, फेस को हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो हमारा सप्लाई इंडिकेटर रहता है इसमें हम किसी भी तरह का फेस को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये हमारा डायरेक्टली जाएगा ताकि हमारे यूनिट में ये दिखाएगा जो हमारा डी फ्रिज है कि इसमें फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो हमारी कंट्रोलिंग वो स्टार्ट हो जाती है, इसमें हमारा जो मेन कंट्रोल रहता है वो थर्मोस्टेट के थ्रू रहता है। जब कंप्रेसर जब हमारा फ्रिज टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है तो ये फ्रिज को कट कर लेता है। तो इसके लिए हमारी जो कंट्रोलिंग है थर्मोस्टेट के थ्रू रहती है। तो सबसे पहले रिले के एक पॉइंट पे हमने इसको लगा देना, यहाँ से हम मल्टीपल कनेक्शन लेंगे जो कि हमारा डायरेक्टली फेस जाएगा हमारा जो हमारा कूलिंग इंडिकेटर है उस पर और हमारा फैन मोटर पे रहेगा। और उसके बाद जो हमारा जो कनेक्शन जाएगा वो जाएगा हमारा फेस का स्टार्टिंग कैपेसिटर को, हम इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर को फेस देंगे। और यहाँ इसकी जो आउटपुट रहती है वो रिले के दूसरे पॉइंट पे रहती है जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रिले का पॉइंट रहता है वो दूसरी पॉइंट पे आउटपुट इसकी रहती है। और जो फर्स्ट वाला पॉइंट रहता है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए जाता है, यानी CSIR के R पे जाता है, और दूसरे वाला हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।